को और आगे लेकर जा रहे हैं। वाह देखिए, हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे। तो इस बार मैं दुनिया की सबसे बर्फीली जगहों पर मछलियाँ पकड़ूंगा। मैं आज तक इतनी ठंडी जगह पर कभी नहीं आया और सबसे गर्म जगहों पर भी। मैं उन लोगों से मिलूंगा जो हमारा पेट भरने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये बहुत छोटी है ना, पर कोई बात नहीं। ये देखिए दोस्तों, मेरी पहली ब्लैक फिश। और अब एक नौसिखिए की गलती देखिएगा। नहीं नहीं, उसे पानी के पास कांटे से मत निकालो। देखा, ऐसे ही कहते हैं मछली को आजाद करना। ये देखिए, ये है कोस्टारिका की खूबसूरत मचाका। और सबसे कमाल की बात ये है, मुझे यकीन नहीं था यहाँ इतनी मछलियाँ होंगी। और इससे पता चलता है कि ये नदी बहुत ही अच्छी है। और इसे हम रखेंगे डिनर के लिए। मजा आया ना? बहुत अच्छा। ये कहाँ चली गई? ये एक मादा है जो लगभग 16 किलो की है। मैंने आज तक जितनी सैमन पकड़ी है ये उससे दो गुना बड़ी है। ये शायद दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत चिनूक सैमन है, यकीन मानिए। और इसे किंग क्यों कहते हैं आप खुद ही देखिए, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ये मछली सबसे बड़ी पसंद। पर ये मछलियां बहुत तेज हैं। रॉबसन, यहाँ पर लाखों मछलियां हैं, तुम एक को तो पकड़ ही सकते हो। इसने बहुत ही ताकत से हमला किया है। मेरे ख्याल से ये आज की सबसे बड़ी मछली है। हाँ, ये बहुत बड़ी है। अब मुझे बस इसे खींचना है। ओ, ये तो बोट के नीचे चली गई। ओह, वो देखो कितनी बड़ी है। ओ, अरे वाह, देखिए इसकी साइज बहुत अच्छी है। लंच का इंतजाम हो गया। ये लगभग 2.25 किलो की है। ये उतनी भारी लगती नहीं है, पर देखिए ये कितनी मोटी है। और हाँ, बाकी सबने मछली पकड़ ली है। चलो कम से कम इनमें से कुछ मछलियाँ हम सबके लिए काफी हैं। और ये देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत 2 से 2.5 किलो की मछली है, जिसे ये लोग मैंडेरा कहते हैं या पर्च कहते हैं। लेकिन मैं 21,000 किलोमीटर से किसी और मछली के साथ फोटो खिंचाने आया था। कमान, हाँ उसने पकड़ दिया। हाँ, खींचिए इसे, खींचिए। क्या बात है, ये देखिए। ठीक है, ऊपर खींचिए। क्या बात है, सर देखिए इसे, कितनी शानदार है। ये देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, सर देखिए इस एक्सट्रीम फिश को। ये बहुत लड़ाकू होती है। बहुत बढ़िया, इसे तो घर ले जाने का मन है, लेकिन इन्हें तो हम बड़ी मछलियों के चारे में खर्च कर देंगे। वो बहुत बढ़िया रॉबसन। अरे बाप रे, ओ क्या बात है। अच्छा है, ये यादगार सफर होने वाला है। वापस चले हमारे। यस, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। आज तो मजा आया। बहुत शानदार मछली है। जरा एक बार देखो तो इसे। वाव, बहुत अच्छे रॉबसन, बहुत अच्छे। ये काफी बड़ी मछली है। आज हमने कमाल कर दिया। सच में हमने पकड़ी है गोल्डन डोराडो या गोल्डन मैवरिक या ये देखिए एक और मछली। यहाँ ये लोग ऐसे ही फिशिंग करते हैं, इसी तरह से अपने खाने का इंतजाम करते हैं। धीरे धीरे ही सही, पर हम खाना इकट्ठा कर रहे हैं। माफ करना, ये शायद यहाँ आम बात होगी, पर मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है। छूटना मत, छूटना मत, यही मेरा मौका है। आजा, बस निकलना मत। आराम से। क्या ये सुपर स्लैम वाली मछली है? उसे नाव पर लाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
ये वही है। ये मछली लाइन को लेकर तेजी से भागी, यानी इसका आकार भी अच्छा खासा है ना टोनी? हाँ बिल्कुल। ओह कितनी खूबसूरत किंगफिश है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो आप जानना चाहते हैं पिछले एक घंटे से कौन छोटी मछलियों को डरा रहा था? यही है वो। अरे वाह, ये तो एक शानदार नीडल फिश है। ये लगभग 1.5 फुट लंबी है। ये मछली ग्रैंड स्लैम के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसे पकड़कर भी मैं बहुत खुश हूँ। तो ये देखिए, ये एक लंबी पतली और खतरनाक शिकारी है। ये है नीडल फिश और कुछ लोग इसे। वो चली गई। मैंने उसे पकड़ा। सूरज के ढलते ढलते मैंने 4 सेलफिश और 4 ब्लू मार्लिन पकड़ी। क्या बात है, यहाँ की फिशिंग का जवाब नहीं। तो मुझे बिलफिश ग्रैंड स्लैम नहीं मिला, मुझे बस। रॉबसन, तुम एक उस्ताद को काम करते हुए देख रहे हो। ये एक अच्छी मछली थी और अब स्कोर हुआ है 2-0। कुछ तो करो रॉबसन। यस, ये तो भाग रही है, ये तो बहुत तेज भाग रही है। ये निकल जाएगी। वो नहीं निकलेगी। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। आजा। एक सेहतमंद ब्राउन ट्राउट। मैंने इसे नीचे से भी देखा है और मैंने इसे सामने से भी देखा है और फाइनली विक्टोरिया फॉल्स को मैं ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहा हूँ। और आज मैंने यहाँ फिशिंग की है और वो भी एक्सट्रीम फिशिंग। इससे बेहतर और क्या होगा।